नमस्कार साथियों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का नेक्स्ट लेक्चर अपन लेक्चर 16 मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने 50 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो लेक्चर आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप जरूर देखें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको इसमें अपन जो है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड स्टिफनेस मेथड दोनों अपन बेसिक डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अपन मेनली जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय यूनिट फोर्स। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? यूनिट फोर्स के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट अपन को प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टिफनेस क्या है? जस्ट इसका रिवर्स है। इट इज द डिफाइन एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अपन को कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है? स्टिफनेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस में इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट है मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज स्क्वायर। मैट्रिक्स जो अपन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस की अपन जो बनाएंगे उसमें अपन क्या करेंगे, ये स्क्वायर होगी। स्क्वायर का मतलब है, ऐसे 1 की है तो 1 1 वाई इनटू 1, 2 की है तो 2 इनटू 2, 3 की है तो 3 इनटू 3, ठीक है। 3 रो मींस 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम 2 बाई 2 की, ठीक है। इस तरह से नहीं होगी मैट्रिक्स 2 इनटू 3 की, इस तरह की मैट्रिक्स कोई होती नहीं, इसलिए ये स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, मेन एलिमेंट जो है इसके डायगोनल एलिमेंट वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ये क्यों होंगे, ये क्वेश्चन में अपन जब डिस्कस करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन डायगोनल जो होंगे वो होंगे अपने पॉजिटिव। उसके बाद जो है ये मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिकली अबाउट मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रहेगी, मींस इसका मेन डायगोनल को अपन एलिमिनेट कर दें, बाकी जो अपर और लोअर पार्ट का जो अपन का ट्रायंगल बनता है, ठीक है, मैट्रिक्स में, तो वो एक दूसरे क्या सिमेट्रिक रहेगा, और वो अपन क्वेश्चन में मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अपन निकालेंगे वो इक्वल होगी किसके, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी क्या फोर्स मेथड है, ठीक है। स्टिफनेस में क्या है, स्टिफनेस क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो इसमें क्या है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के इक्वल्स होगी। तो अपन को कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन को स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अपन को रट लेने हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन अगर आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है वहां से डायरेक्टली रिजल्ट अपन क्या है, जो चार मेथड है अपने लिए, ठीक है, वहां से अपन डिजाइन इनको ड्राइव करते हैं। लेकिन अभी क्या है आपको डायरेक्टली इनके रिजल्ट रट लेने, इससे क्या है डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाइड करके फ्लेक्सिबिलिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला केस दिखाता हूँ, जैसे कैंटिलीवर भी मैं इसमें पी लोडिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी पॉइंट पे मुझे रोटेशन चाहिए, तो अब एक्सेल लोडिंग की वजह से क्या होगा, रोटेशन तो जीरो, तो एक्सेल की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी की डायरेक्शन तो पी एल अपॉन ए, ठीक है। इसी तरह से जैसे मूवमेंट अगर एम लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन क्या होगा, एम एल अपॉन ई आई। ये अपन ड्राइव का स्ट्रेन एनर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, डिफ्लेक्शन क्या होगा, मूवमेंट की वजह से बी में, तो एम एल स्क्वायर अपॉन में टू ई। उसके बाद इसी तरह से अपन क्या करेंगे, थ्री का ले लेंगे, जैसे लोडिंग ले लिया, कैंटिलीवर भी में लोडिंग लग रहा है, ठीक है, पी लोड फ्री एंड पे, तो क्या होगा इसका रोटेशन जो होगा पी एल स्क्वायर अपॉन में टू आई, और डिफ्लेक्शन क्या होगा पी एल की अपॉन में थ्री आई। तो इसी तरह से जैसे मूवमेंट एक सिंपली सपोर्टेड केस में एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज दोनों लग रहे हैं, तो थीटा थीटा दोनों ए और बी पॉइंट पे, एम एल अपॉन में टू आई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन जो है, अब ए पॉइंट या बी पॉइंट पे तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, किस पॉइंट पे होगा, सी पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्शन जो सी पॉइंट पे होगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन में ए टी आई होगा, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट और बी पॉइंट इस केस में, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान के चलो बी पॉइंट पे मूवमेंट लगा हुआ है, तो इसकी वजह से रोटेशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि बी पे लगा हुआ है तो बी पे तो होगा एम एल अपॉन में थ्री आई, ठीक है, और ए पे होगा जिसका हाफ, ठीक है, तो एम एल अपॉन में सिक्स आई, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा ए और बी पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसी के बाद सेकंड नेक्स्ट केस है, इसमें क्या होगा, ए और बी पे इसमें मूवमेंट लगा हुआ है सेंटर पे, तो एम एल अपॉन में 24 ई आई रोटेशन आ जाएगा। सी पॉइंट पे भी रोटेशन निकालें तो एम एल अपॉन में 12 ई आई, डिफ्लेक्शन जो होगा सारे पॉइंटों पे यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अब प्रॉप कैंटिलीवर है, मूवमेंट लगा हुआ है, एम मूवमेंट, ठीक है। अभी मैंने इस पे एम बाई टू क्या होगा, इसका कैरी ओवर फैक्टर जाता है, जो मैंने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसमें क्लियर किया था, ठीक है। तो थीटा भी क्या होगा, एम एल अपॉन में फोर ई आई। इसका रोटेशन ए पे क्या होगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, मूव कर नहीं सकते, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रिलीज होगा नहीं। उसके बाद डिफ्लेक्शन दोनों पॉइंट, क्योंकि जो मैंने बताया था कि कोई भी सपोर्ट हो, चाहे हिंज हो, चाहे आपकी फिक्स सपोर्ट हो, चाहे रोलर हो, ठीक है, तो तीनों सपोर्ट्स पे जो होगा डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा। उसके बाद अगर ये डेल्टा से सेटल कर जाता है तो उसका फिक्सेंट मूवमेंट जो मैंने बताया था, मूवमेंट जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, सिक्स आई डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्लेक्शन जो होगा, अब देखो ए पॉइंट पे तो यहाँ पे तो ये मेरा ए पॉइंट है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा, ठीक है। बी पॉइंट पे अब सेटल डेल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पे डेल्टा लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर सिंपली सपोर्टेड बी में,
पी सेंटर पे लोड लगा था तो थीटा हमें पता है ए और बी पे सेम आएगा, सिमेट्रिक है, पी एल स्क्वायर अपॉन में 16 ही है, और डिफ्लेक्शन जो होगा ए और बी पे जीरो, और डिफ्लेक्शन सी पे क्या होगा पी एल के ओपन में 48 ही आएगी। अब देखो बेसिक समझते हैं इसका, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस का। मान के चलो ये स्प्रिंग है कैंटिलीवर की तरह, कैंटिलीवर भी में ठीक है स्प्रिंग लगी हुई है, इस पे पी लोडिंग से मैं इसको एक्चुअली पुल कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा, पी इक्वल टू क्या होगा के डेल्टा, ठीक है ये फॉर्मूला। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई डेल्टा, यही है स्टिफनेस। अब स्टिफनेस कैसे, यूनिट अपन क्या कर रहे हैं, यूनिट 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 डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना फोर्स अपन के लिए, यूनिट जो डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं उसकी वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, वो क्या है स्टिफनेस। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा पी के बराबर। अब इसी फॉर्मूले को अपन मैं ये से लिख सकता हूँ, वन अपॉन के इक्वल टू डेल्टा बाई पी। अब मैं यूनिट फोर्स लगा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा फ्लेक्सिबिलिटी, तो वन अपॉन क्या होगा किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा के बराबर, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इसके नीचे आ जाएगा 1/k, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और k का जो मल्टीप्लाई, जो स्टिफनेस का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं एक, जिससे आपको क्लियर हो सके, ठीक है। उन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट को अपन यूज करके डायरेक्टली अपन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स किस तरह से बनानी है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल केस है, कैंटिलीवर भी में एक 1 डायरेक्शन है, ये 2 डायरेक्शन है, ठीक है। इन दोनों डायरेक्शन की वजह से अपन को फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मैट्रिक्स जनरेट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जैसे 1 है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यूनिट लोड अप्लाइड करूंगा 1 की डायरेक्शन में, और मुझे कंप्यूट करना है डिफ्लेक्शन ऑल डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन कौन सी होगी, 1 और 2। अब देखो ये जैसे F11 लिखा, पहले फर्स्ट का तो मतलब है कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में अपन में यूनिट यूनिट जो फोर्स है मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, और सेकंड जो पॉइंट है ये 1 वाला तो किस डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है। ये तो मैंने 1 की डायरेक्शन में लगाया यूनिट फोर्स, तो क्या होगा, तो 1 की डायरेक्शन में निकालता हूं, तो 1 की वजह से 1 की डायरेक्शन में क्या होगा डेल्टा के बराबर, क्योंकि डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन का अभी बताया था मैंने पीएल अपॉन ए, फर्स्ट केस था। अब यूनिट यूनिट फोर्स लगाना है तो यूनिट लोड की वजह से क्या होगा पी इक्वल टू 1, तो पी पी 1 के बराबर हो जाएगा, तो एल अपॉन ए। अब 1 की वजह से 2 में, अब मैंने देखो इसको एक्सेली पुल कर रहा हूं तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट सेकंड की डायरेक्शन में 0 है। अब देखो अब मैं सेकंड केस लेता हूं, मैं यूनिट लोड अप्लाइड करता हूं सेकंड डायरेक्शन में और कंप्यूट करता हूं डिफ्लेक्शन ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो 2 की वजह से पहले मैं 2 में ही निकाल रहा हूं, तो 2 की वजह से 2 में क्या होगा, देखो ये वाला केस है ऐसे यूनिट फोर्स लगा दिया तो 2 की वजह से 2 में क्या होगा डिफ्लेक्शन जनरेट होगा। अब मैंने पता है कैंटिलीवर बीम में अगर फ्री एंड पर लोड लग रहा है तो वो डिफ्लेक्शन क्या होता है पी एल के ओपन में 3 आई, तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा पी इक्वल टू 1 एल के ओपन में 3 आई। अब जैसे F अब देखो 2 की वजह से 1 में, अब देखो F21 और F12 क्या होगा इक्वल टू 0 इक्वल होगा, क्यों होगा, ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है 2 की वजह से 1 पर डिस्प्लेसमेंट और 1 की वजह से 2 पर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बताया था मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो पढ़ाई थी, ठीक है, मेथड ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस टॉपिक में, तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं, तो इस वजह से क्या होंगे दोनों बराबर। अब देखो ये बन गई अपन की फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स F11, F12, F21 और F22। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि दो रो हैं इसमें और 2 कॉलम है, ठीक है, एक ये पॉइंट क्लियर होगा। मेन डायगोनल ये रहा, मेन डायगोनल देखो इसमें ही पॉजिटिव आया हमेशा, मैंने बताया था। उसके बाद क्या है, दूसरे डायगोनल जो हैं वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अब जैसे F12 और 21 ये तो दोनों 0-0 हैं। अब मैं देखो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको कट करूं तो देखो ये और ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में क्या है सिमेट्रिक है, और अपन 3/3 की देखेंगे उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। अब मेनली जो यूज है इनका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का और स्टिफनेस में, इनका क्या है, अपन दोनों स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो चाहे इनडिटरमिनेट, लेकिन मेनली जो यूज करते हैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का, इसका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस, इनको स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए करते हैं, लेकिन कर दोनों सकते हैं, ठीक है, डिटरमिनेट हो चाहे इनडिटरमिनेट हो, ठीक है। अब देखो ये कैंटिलीवर भी मैं, ये भी सिंपल केस है, ये भी क्या है डिटरमिनेट ही है, ठीक है। तो मैं 1 और 2 इस पर 2 पॉइंट लगा लेता हूँ। अब क्या है 1 1, अब 1 की वजह से 1 में अब अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक इस पे वर्टिकल लोडिंग, इस पे अब मूवमेंट आ गया है, ठीक है, अब एक्सियल लोडिंग नहीं है। तो मैं 1 की वजह से 1 में निकालूंगा तो क्या होगा, 1 की वजह से अगर मैं 1 में निकालूंगा तो क्या होगा मेरे पास डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। 1 की वजह से 1 में निकालूंगा तो क्या होगा डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो डिफ्लेक्शन मुझे पता है कैंटिलीवर केस में क्या होता है पीएल के ओपन में 3i, तो 1 * एल के ओपन में 3i, तो पीएल के ओपन 3i, पी इक्वल्स टू 1 रख दे तो डेल्टा मिल गया। 1 की वजह से 2 में, अब देखो 1 लोडिंग है, लोडिंग की वजह से अगर मैं रोटेशन निकालूं तो ये क्या केस हो गया, मान के चलो 1 क्या है यूनिट लोड है 1, और 2 की डायरेक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे डिफ्लेक्शन नहीं मिला, मुझे मिल रहा है रोटेशन, ठीक है, क्योंकि अपन को तो जिस डायरेक्शन में अपन को दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है 2 की डायरेक्शन में, तो क्या होगा पी एल स्क्वायर अपॉन में 2e,
तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में पी एल स्क्वायर अपॉन टू, तो पी इक्वल टू वन, तो एल स्क्वायर अपॉन में टू है, ये क्या है थीटा के बराबर है इस पॉइंट पे। अब टू वन क्या है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से सेम यही हो जाएगा, या आप उल्टा देख सकते हो, टू पे क्या है रोटेशन लगा हुआ, मान लीजिए उसमें कोई मूवमेंट है और मूवमेंट की वजह से वन की डायरेक्शन क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन की, तो मूवमेंट की वजह से इस पर डिफ्लेक्शन क्या आता है, तो अपन निकाल सकते हैं क्या होता है एम एल स्क्वायर अपॉन टू यही आता था, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको एक रिजल्ट याद है कोई बात नहीं, दूसरा रिजल्ट से आप एक, अगर आपको एक ही रिजल्ट याद है तो दूसरा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से दोनों को इक्वल्स कर सकते हो, एफ वन टू बराबर क्या होगा एफ टू वन, तो ठीक है ये सेम आएगा। अब टू की वजह से टू में, अब टू की वजह से इसी टू में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, मूवमेंट की वजह से उसी डायरेक्शन में रोटेशन, तो क्या हो जाएगा एम एल अपॉन ई आई, तो एम इक्वल टू वन हो जाएगा और एल अपॉन ई आई। अब देखो इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिपेंड करती है, देखो अब वन की डायरेक्शन में मैं उसी डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके रिवर्स चलता हूँ, मान चलो वन की डायरेक्शन में अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वन की वो डाउनवर्ड है, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, वो अगले केस में अपन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन जनरेट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अब देखो सिंपली सपोर्टेड केस है, अब इसमें तीन है अपन के, एक वन टू थ्री, ठीक है। अब थ्री अपन को स्ट्रक्चर वो क्या है, अपन को डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन निकालना है इसमें। अब देखो फर्स्ट केस में देखता हूँ, यूनिट फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ डायरेक्शन वन में और कंप्यूट कर रहा हूँ डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन, पहले ये है, तो फर्स्ट केस में मैंने इस पर रोटेशन लगा दिया तो की क्या होगा, इस तरह से बेंड हो गई जिससे ये केस दिखाया हुआ है, तो वन की डायरेक्शन कैसी है, इस तरह क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा क्लॉकवाइज और यहाँ क्या आएगा, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो वन की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं और थीटा भी क्या है इसी की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, साइन लेंगे पॉजिटिव। देखो मैंने बताया था वन वन की डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड पहला केस, और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वन की वजह से वन में ले रहे हैं, तो अब वन की वजह से क्या होगा डिफ्लेक्शन, अब आएगा रोटेशन, ठीक है ये डिफॉर्मेशन ही, जहां रोटेशन के लो डिफ्लेक्शन के लो, तो क्या होगा थीटा, तो थीटा इसकी वजह से क्या होगा, अब मैंने बताया था कि इस केस पर अगर मूवमेंट लगा हुआ है तो उस केस में क्या आया था एम एल अपॉन में थ्री आई, डायरेक्ट रिजल्ट है एम इक्वल टू वन रख देंगे एल अपॉन थ्री आई। अब वन की वजह से टू में, टू कहां है यहां पे, ये रहा। अब देखो इसकी डायरेक्शन है, अपन को थीटा मिल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है इस डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है टू पॉइंट की वो है रिवर्स, इसकी थीटा की डायरेक्शन इधर है और इसकी और मूवमेंट की डायरेक्शन है इसकी सेकंड की डायरेक्शन इधर, तो क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव, ये है रीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से अब साइन डिफरेंट आ गया इसलिए माइनस थीटा ले लिया, तो एम एल अपॉन में सिक्स आई। अब वन की वजह से मूवमेंट लग रहा है लेकिन दूसरी डायरेक्शन क्या होगा एम एल अपॉन सिक्स आई, रिजल्ट था अपन ने देखा था स्टैंडर्ड रिजल्ट में, तो एल अपॉन सिक्स आई। अब वन की वजह से थ्री में, अब देखो वन पे लगा रहा हूं, अब मुझे यहाँ पे तो रोटेशन है, ठीक है यहाँ पे मैंने मूवमेंट लगाया लेकिन मुझे पूछा गया है कि सी पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। अब डिफ्लेक्शन क्यों निकाल रहे सी पे, क्योंकि सी पे क्या है वर्टिकल लोडिंग लोडिंग लग रही है, ठीक है। तो लोडिंग की वजह से हमेशा देखते हैं डिफ्लेक्शन और मूवमेंट की वजह से देखते हैं हमेशा इसमें रोटेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या चाहिए अपन को, सी थ्री पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे अपन को अभी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता तो मैं कर देता हूँ डिफ्लेक्शन इक्वल टू हो जाएगा थ्री इंटू वन मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से, इसको क्या करेंगे थ्री पे अप्लाई करके वन में निकाल सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे सेकंड केस, यूनिट लोड अप्लाइड करेंगे सेकंड की डायरेक्शन में और फिर डिफ्लेक्शन प्राप्त करेंगे अपन वन टू थ्री, ठीक है ये वाला। अब जैसे टू की वजह से, अब जैसे मैंने ये केस बन गया सेकंड वाला, तो मैंने टू पे अप्लाइड कर दिया, मान चलो मूवमेंट एम है, ये यूनिट एम इक्वल टू वन है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे ये थीटा इसकी डायरेक्शन में, ये थीटा इसकी डायरेक्शन में। अब देखो टू की वजह से टू में तो सेम ही है, ठीक है ये थीटा इसी की डायरेक्शन में इसीलिए और एम भी इसी की डायरेक्शन में, तो टू की वजह से टू तो ये हो जाएगा सिंपल एम एल अपॉन में थ्री आई, तो एल अपॉन ई आई एम इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। क्यों मैंने बताया भी था जो मेन डायगोनल है ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उसी डायरेक्शन में अपन को डिफ्लेक्शन निकालना होता है जिस डायरेक्शन में अपन की लोडिंग लगी हुई हो, ठीक है यूनिट फोर्स लगा हुआ। अब टू की वजह से वन में देखेंगे, टू तो लगा दिया, अब वन कहाँ है इसमें तो निकाल सकते हैं, इसका तो क्या हो जाएगा जैसे इसका लग रहा है तो इसका आ जाएगा हाफ। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है थीटा की एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए नेगेटिव ले लिया माइनस के थीटा एल अपॉन सिक्स आई। अब टू की वजह से थ्री में, अब टू की वजह से यहाँ पे रोटेशन है लेकिन निकालना डिफ्लेक्शन है, तो क्या हो जाएगा टू, इसका रिजल्ट डायरेक्टली मुझे नहीं पता तो मैं क्या कर दूंगा एफ थ्री टू इक्वल टू एफ टू थ्री, ठीक है। अब अपन को क्या करेंगे अप्लाइड यूनिट लोड इन डायरेक्शन थ्री एंड कंप्यूट द डिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो मैं थ्री पे अप्लाई कर रहा हूँ, थ्री के लोड थ्री की डायरेक्शन में क्या है लोड है, तो मैंने इस तरह से डिफ्लेक्सिव हो गई इसकी, ठीक है थीटा भी इस तरह से एक डायरेक्शन थीटा की ऐसी एक डायरेक्शन ऐसी। अब देखो अब जो वन और थ्री टू लग रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है थीटा की डायरेक्शन तो इधर है लेकिन जो अपन को पोजिशन दी हुई है सेकंड की वो क्या है रिवर्स है जस्ट, तो अपन क्या करेंगे थ्री की वजह से थ्री में तो क्या होगा डाउनवर्ड है डाउनवर्ड ही डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो अपन को सिंपल केस पता है कि सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा सिंपली सपोर्टेड केस में पीएल की अपॉन में 48 ही है, तो यहाँ से पी इक्वल टू वन तो डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
अपन को अब थ्री की वजह से वन में निकालना, ये थ्री है लेकिन इस पे निकालना वन में। अब देखो थ्री की वजह से लोडिंग लग रही है, लेकिन अब इसकी जो वन के डायरेक्शन है वो क्या है, अपन के लिए रोटेशन दे रहा है, तो अपन को मिलना चाहिए यहाँ पे ए पॉइंट पे थीटा। तो थीटा अपन को पता है स्लोप ए पॉइंट पे क्या होगा अगर लोडिंग लग रही है। तो सिंपली सपोर्टेड केस में रोटेशन क्या होता है सपोर्ट पे, पीएल स्क्वायर अपॉन में 16 ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट में अभी आपने देखा था। ठीक है, तो अब F31 किसके बराबर होगा, F31 के, F31 F13 के। ठीक है, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 2 3 का रह गया था अपन में, अब देखो 3 की वजह से 2 में ये भी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, सॉरी हाँ जस्ट रिवर्स हो जाएगी इसकी। तो माइनस थीटा भी पीएल स्क्वायर अपॉन में 16 ही है। ठीक है, क्योंकि थीटा इस डायरेक्शन में और सेकंड की डायरेक्शन है क्या, इस तरह से ये क्लॉकवाइज है, लेकिन थीटा क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए अब देखो F11, F12, F3, अब इस मैट्रिक्स में अपन को सारी वैल्यूज की, ये वैल्यू जो है इनको पुट कर देंगे। अब देखो मेन डायगोनल देखो, ये वाला ये क्या है, मेन डायगोनल सारे पॉजिटिव है, बाकी क्या है देखो, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव है। अब इस मेन डायगोनल सिमेट्रिक कैसे है, देखो एल अपॉन सिक्स आई, एल अपॉन सिक्स आई, यहाँ पे देखो एल स्क्वायर अपॉन 16 आई, एल स्क्वायर अपॉन 16 आई, एल स्क्वायर अपॉन 16 आई, एल स्क्वायर अपॉन में 16, इस तरह से ये सिमेट्रिक है मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में। और स्क्वायर भी है, 3/3 की मैट्रिक्स है, 3 कॉलम 3 रो। ठीक है, अब अपन देखते हैं सिंपल ये स्प्रिंग का केस लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या स्टिफनेस दी हुई है, 20, 10 और 5। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या निकालेंगे, 1/k, तो 1/20, 1/10, 1/5, मैंने ए बी सी 3 पॉइंट मान लिए, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू आ गई अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्शन में यूनिट लोड लगाएंगे और डिफ्लेक्शन निकालेंगे सभी डायरेक्शन में क्या क्या मिल रहा है। तो एफ वन की वजह से वन में है, तो वन कौन सा, ये वाला ही पॉइंट है, तो वन की वजह से इसी जगह वन में निकालना है। तो क्या करेंगे, एफ ए के बराबर होगा, तो एफ ए कितना है 0.05। ठीक है, ये वाला निकाला हुआ है। अब वन की वजह से टू में, अब इनका मुझे नहीं पता, वन की वजह से टू में नहीं पता, थ्री में नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे की ऐसे रख देता हूँ। एफ वन की वजह से टू में क्या होगा, F12, F1 की वजह से थ्री में क्या होगा, F31। तो ये क्या है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से कर दिया। अब मैं टू में अप्लाइड करता हूँ, टू में अप्लाइड करने के बाद डिफ्लेक्शन सभी डायरेक्शन निकालता हूँ। टू पे अप्लाइड किया, तो देखो टू की वजह से टू में तो क्या आ जाएगा, ये क्या है 10 भी है यहाँ से, और ये पीछे वाला ये कितना है, ये 10 भी है 20 भी है, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, 10 और 20 0.05 और 0.1, तो 2 की वजह से 2 में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 की वजह से अपन को निकालना है किसमें, 1 में। अब देखो 2 की वजह से डायरेक्ट अपन 1 में देखेंगे, तो 1 में तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ रही थी, 0.05 0.05। ठीक है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, F21 किसके बराबर होगी, F12 के, तो ये निकल गया। अब 2 की वजह से 3 में, अब 2 अप्लाइड कर रहे हैं 3 में क्या होगा नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। F23 F32, अपन 3 में डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, 2 में देखेंगे, अब सब में देखेंगे। तो देखो 3 में अप्लाई किया, तो 1 में क्या होगा, तो इसी का 1.0105 इसी में देख लेंगे। अब 3 में अप्लाई किया, अब 2 में देख रहे हैं, तो देखो ये भी जुड़ेगा इसमें और ये भी जुड़ेगा, दोनों ऐड होंगे। ठीक है, पीछे वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये पॉइंट दोनों ऐड हो गए, 0.05 और 0.1। अब 3 की वजह से 3 में तो क्या होगा, 3 तीनों ऐड हो जाएंगे एबीसी के, तो तीनों ऐड कर दिए। इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखो, ये क्या है, एक कैंटिलीवर फ्रेम है। अब देखो इसमें 1 2 3 तीन डायरेक्शन है, अब तीनों को कैसे निकालते हैं, देखो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं 1 में अप्लाइड करता हूँ, मान चलो मैंने 1 का देख रहा हूँ, पहले 1 में अप्लाइड किया यूनिट यूनिट फोर्स, और सभी डायरेक्शन में अपन को यार डिफ्लेक्शन प्राप्त करना है। तो अपन को 1 में अप्लाइड करने के बाद इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बन गई, मैंने मान लिया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये वाला जो बीसी मेंबर है ये क्या स्ट्रेट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला मेंबर जो है ए बी ये बेंड हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा ये थीटा, ठीक है, ये टेंजेंट खींच ली, ये थीटा आ गया, और ये थीटा जो होगा वो इस थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पे जो थीटा मिलेगा सी पे वो थीटा भी थीटा सी के इक्वल्स होगा। ठीक है, तो F11 क्या होगा, तो F1 की वजह से बन, अब देखो 1 की वजह से बन, ये क्या एक फ्री कैंटिलीवर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फ्री कैंटिलीवर, फ्री एंड पे अगर लोड लग रहा है तो क्या होता है, PLQ अपॉन में 3i, तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा बी पॉइंट पर। डिफ्लेक्शन ही क्यों मिला, रोटेशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि लोडिंग लग रही है अपनी, रोटेशन नहीं है। ठीक है, तो F1 की वजह से 2 में देखेंगे, अब 1 की वजह से 2 में क्या होगा, रोटेशन। अब मुझे पता है कि कैंटिलीवर केस में फ्री एंड पे मूवमेंट लग रहा, अगर लोडिंग लग रही है तो उस पर थीटा क्या आएगा, तो पता है पीएल स्क्वायर अपॉन में 2i, तो थीटा भी आ जाएगा। इसी तरह से 1 की वजह से 3 में, अब देखो 1 की वजह से 3 में ये भी सेम रहेगा, जो थीटा बी इक्वल टू थीटा सी, तो एल स्क्वायर अपॉन में 2i। सेकंड केस में क्या करेंगे, ये रहा सेकंड केस, सेकंड केस में रोटेशन अप्लाइड किया, शेप वही रहेगी। ठीक है, और 2 की वजह से अप्लाइड करने पे सभी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे, तो 2 की वजह से 1 में, ये तो अपन को मिल ही गया डायरेक्टली थीटा भी यहाँ से निकल गया। अब 2 की वजह से 2 में, अब देखो रोटेशन की वजह से रोटेशन ही निकाल रहे हैं, तो अपन को पता है रोटेशन की वजह से रोटेशन निकाल रहे हैं, तो एम एल स्क्वायर अपॉन में मूवमेंट की वजह से अपन रोटेशन निकाल रहे हैं, तो अपन को फॉर्मूला पता है एम एल स्क्वायर अपॉन में एम एल अपॉन में ई आई। ठीक है, अपन ने निकाल देखा भी था ये। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट आ गया एल अपॉन ई आई, एम इक्वल टू 1 रख दिया,
क्योंकि रोटेशन मिलना है, क्योंकि टू की डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब टू की वजह से थ्री में वही सेम रहेगा और थीटा भी इक्वल टू थीटा सी एल अपॉन ही है। अब थ्री थ्री में अप्लाई करेंगे यहाँ पे और अपन देखेंगे वन में। अब देखो थ्री में अप्लाई करेंगे तो देखो टू में भी आएगा और थ्री में भी सेम आएगा, तो क्या करेंगे दोनों थीटा क्या आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे थ्री की वजह से। तो एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया, ठीक है। तो थ्री थ्री में क्या हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू टू एल अपॉन। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे समझ में नहीं आता, बीसी और एसी मेंबर की क्या स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं अपन, एम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन टू आई, उसका अपन डिफरेंस, और इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा एम स्क्वायर अपॉन एल अपॉन में टू आई, तो उसका क्या करेंगे अपन डिफरेंशियल कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट, तो वहां से आ जाएगा डायरेक्टली अपन को 2 ml जो भी अपन को मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली ऐड करके, तो 2 l अपन में ई आई इस तरह से। अब 3 की वजह से 2 में, 3 की वजह से 2 में अपन ने पहले निकाल लिया है, और 3 की वजह से 1 में ये अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया है, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब प्रोसीजर, अब अपन को इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है, तो किस तरह से उसको स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से, वो अपन देखेंगे इसमें। देखो अगर कोई इंडिटर्मिनेट है, मान के चलो सबसे पहले अपन को जो इसकी कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले अपन को करना है इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेट निकालना कि कितने डिग्री इंडिटर्मिनेट है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट, मान के चलो 2 डिग्री इंडिटर्मिनेट है तो मैट्रिक्स बनेगी 2 बाय 2 की। अगर 3 बाय 3 के 3 का अपन को ये जो इंडिटर्मिनेट है वो 3 है, ठीक है, तो मैट्रिक्स बनेगी 3 बाय 3 की। अब मैंने मान के चलिए कि आर ए आरवी जस्ट एक एग्जांपल है, तो आर ए आरवी ये मेरी अननोन है, इनके इंडिटर्मिनेट है 2, तो मैंने 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। उसके बाद अपन को टोटल डिफ्लेक्शन, जैसे एक 1 1 1 2 पे कितना होगा 1 का आ गया, डिफ्लेक्शन 2 की डायरेक्शन में क्या होगा 2 1 प्लस 2 2, इस तरह से। तो ये फाइनली जो फॉर्मूला बनता है ड्राइव करके, डायरेक्टली मैंने ड्राइव नहीं किया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 1 r 2 r इक्वल्स टू f11 f12 f21 f22 और r a r b। तो ये क्या हो गया, ये डेल्टा आर लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको फ्लेक्सिबिलिटी लिख सकता हूँ, इसको आर लिख सकता हूँ। अब मुझे आर निकालना है, अननोन रिएक्शन फोर्सेज निकालना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इसमें डेल्टा ये जो अपन का आर मिला है तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन में देखेंगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कैसे आए ये वाले f11 r a1, ये इसका मल्टीप्लाई किया है सीधा, f11 से r a का मल्टीप्लाई, f12 से r b का मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल। अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सिंपल एक केस है, अब अपन को नहीं पता पहले ये कितने डिग्री इंडिटरमिनेट है, तो सबसे पहले मुझे इंडिटरमिनेसी निकालनी है। इंडिटरमिनेसी अपन को फर्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कितने हैं, देखो 2 यहाँ पे हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि लोडिंग की वजह से इस पे क्या एक रिएक्शन कम हो जाती है, तो टोटल कितनी होगी एक्सटर्नल रिएक्शन 4, और इक्विलिब्रियम कितने बचेंगे हॉरिजॉन्टल अगर हमारी क्रॉस हो जाएगी तो कितने बचेंगे 2, तो इंडिटर्मिनेसी आगे 2। मैंने मान लिया कि आर ए और आर बी अननोन है, आप कोई भी मान सकते हो, आर सी भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये सिंपल रहेगा अपने लिए। तो आर ए और आर बी के लिए मैंने मान लिया अननोन, मैंने मान ली आर ए और आर बी की डायरेक्शन अपर साइड में, तो मैंने इन दोनों की डायरेक्शन अपर साइड में लगा ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले सिंपल वही केस जो अपन करते हैं, यूनिट लोड अप्लाइड करना है 1 की डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन प्राप्त करना है ऑल डायरेक्शन में। तो पहले मैंने 1 की डायरेक्शन में लिया, डिफ्लेक्शन कहां पे मिलेगा मुझे 1 और 2 पे, तो 1 पे अप्लाइड किया तो पीएल की ओपन में 3 आई। देखो 1 की वजह से ही सिंपल पर क्या हो जाएगा फ्री एंड केस हो जाएगा, तो अब स्पान कितना होगा इसका 7, तो पीएल की ओपन में 3i क्या हो जाएगा 1 × 7 की ओपन में 3i, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद 1 की वजह से 2 में, अब 1 की वजह से 2 में मुझे रिजल्ट याद नहीं है, छोड़ देता हूं मैं इसको, 2 1 2 1 2 को क्या कर देता हूँ 2 1, ठीक है। अब मैं 2 की डायरेक्शन में अप्लाइड करता हूँ और डिफ्लेक्शन निकालता हूँ 1 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 पे अप्लाइड किया तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 की वजह से, तो 2 की वजह से 2 पे क्या हो जाएगा पीएल की ओपन में 3i, और मुझे 1 पे निकालना, तो क्या करेंगे थीटा मल्टीप्लाई एबी, ठीक है, सीधा लेंथ ए बी हो जाएगा, थीटा ए बी इंटू लेंथ ए बी, तो ये क्या हो जाएगा पीएल स्क्वायर अपॉन थीटा, क्या होता है इसका पीएल स्क्वायर अपॉन में 2i इंटू लेंथ कितनी है ए बी, इस तरह से। ये अपन आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप एक बार इस चैप्टर को देख लेना, ठीक है। मैं इसको जब ये टॉस का लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही शुरू होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो उस तरह से 1 × 4 की अपॉन में 3i, इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, एल कितना है इसमें स्पान, अब 2 पे निकाल रहे हैं तो इसके लिए 4 हो गया। उसके बाद 1 × 4 स्क्वायर अपॉन में 2i इंटू लेंथ कितनी है भी 3, ठीक है। अब 2 की वजह से 2 में निकालना है अपन को, 2 की वजह से 2, अब तो सिंपल केस हो गया, तो सिंपल एरिया मोमेंट मेथड से डायरेक्ट बीएमडी ड्रॉ करके डायरेक्टली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पीएल की ओपन में 3i, ये क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन, 2 की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। अब अपन ने रोटेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रोटेशन का कोई दिया ही नहीं है पॉइंट, ठीक है, अपन को क्या वर्टिकल रिएक्शन देखनी है, तो इसलिए डिफ्लेक्शन निकाला है, तो पीएल की ओपन में 3i, वही सिंपल फिर प्री एंड वाला केस रह गया है।
अब अपन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। देखो ये वाली वैल्यू, चारों वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब मुझे एफ इनवर्स निकालना है, क्योंकि फाइनली तो मुझे एफ इनवर्स ही निकालना है। तो एडजेंट ऑफ एफ अपॉन एफ बार। तो अपन देखो ये कैसे निकालते हैं, इसका देखो ट्रांसपोज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में। एडजेंट ए में क्या है, 64 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये और ये 3, ये 343 इधर आ जाएगा। आपस में चेंज हो जाते हैं पोजीशन, ठीक है, रिवर्स में। अब क्या करेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनका उसके बाद क्या करेंगे, एफ का क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो 343/3 मल्टीप्लाई 64/3 आई, माइनस 45.33 इंटू 45.33 जो भी बचता है उसका डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली ये वैल्यू अपन को मिलती है। ये अपन कैलकुलेशन मैंने किए नहीं ज्यादा, ठीक है। अपन को ये केस, अब क्या करना है, मुझे सारे रिडंडेंट को हटा देना है। रिडंडेंट कौन से थे हमारे पास, रिएक्शन आर ए आर बी, इनको हटा देना है। अब बेसिक रिलीज स्ट्रक्चर से निकाल, अब मैं इसको सुपर पोजिशन से सिंपल सॉल्व करता हूँ। मैं मान लेता हूँ पहले 100 किलो न्यूटन की लोडिंग, फिर 60 किलो न्यूटन। तो पहले मैं 1 की वजह से निकालता हूँ लोडिंग क्या आएगी। तो देखो 1 ये रहा, अब मुझे 1 पे निकालना है इन लोडिंग की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। अभी 2 को भूल जाते हैं, पहले 1 के, तो पहले 100 की वजह से देखते हैं। तो 100 की वजह से 1 पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, ओनली 100 की वजह से। तो PLQ अपॉन में 3i, एक तो ये फॉर्मूला बनता है डायरेक्टली, और फिर क्या होगा, थीटा इनटू में लेंथ AD हो जाएगा सिंपल। तो PLQ अपॉन में 3i, PL स्क्वायर अपॉन 2i, ये थीटा हो गया, ये लेंथ LAD होगी, ठीक है। ये वाली सिंपल, क्योंकि मुझे 1 पे निकालना है इसलिए हो गया। अब मुझे 60 पे देखना है, क्योंकि अपन को 1 पे तो देखना है लेकिन 100 की वजह से भी देखना है और 60 की वजह से भी देखना है। अब 60 की वजह से क्या होगा, देखो इस पे V पे अपन में डिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो क्या होगा, WL 4 अपॉन में ATI, ठीक है, ये आ गया सिंपल। उसके बाद इसका स्पान, स्पान कितना है, AB मल्टीप्लाई बाय थीटा AB। तो थीटा AB क्या होगा, इस UDL की वजह से WLQ अपॉन में 6i इनटू लेंथ AB। अब ये माइनस क्यों रखे, क्योंकि देखो 1 और 1 की डायरेक्शन है अपर साइड और लोडिंग की डायरेक्शन है डाउनवर्ड साइड, इसलिए इसका साइन जो इनकी डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। तो ठीक है, तो इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव करके मैंने सारी पुट कर दी। इसे पी कितना था इसमें, पहले केस में 100 था, ठीक है। एल कितना हो गया, अब देखो यहां से निकाला था मैंने, तो 4 इंटू 1.5 कितना हो गया, 5.5। तो 5.5 का क्यू डिवाइड बाई 3 आई, उसके बाद 1.5 का मल्टीप्लाई किया था इसमें, 1.5 का लेंथ एवी में और डब्ल्यू एल क्यू, ये सारी वैल्यू सेम है, ठीक है, ये क्लियर, ये वाली वैल्यू। अब क्या होगा, ये सेम यही था डब्ल्यू एल वाला, W कितना था 60, लेंथ कितनी थी 4 अपॉन में ATI, UDL की वजह से क्या होता है WL 4 अपॉन ATI प्लस 60 इंटू LQ अपॉन में 6i, ये स्लोप हो गया। और मल्टीप्लाई में कहां पे निकालना है, A पॉइंट पे, ये इसका स्पान से मल्टीप्लाई कर दिया 3 पे, ठीक है। सेम अब 2 की डायरेक्शन में लेंगे अपन लोडिंग की वजह से। अब देखो 2 पे निकालना है मुझे, तो सबसे पहले 100 की वजह से निकालेंगे, तो 100 की वजह से क्या होगा, PLQ अपॉन में पहले यहां पे लेंगे 100 किलो न्यूटन को यहां पे B पॉइंट पे, तो PLQ अपॉन में 3i आ जाएगा, फिर स्लोप से मल्टीप्लाई PL स्क्वायर अपॉन में 2i मल्टीप्लाई में लेंथ BD, ठीक है। तो देखो यही किया मैंने सेम, तो P की वैल्यू कितनी है 100, L की वैल्यू अब यहां पे कितनी है 4 होगी, अब यहां पे S नहीं होगी 5.5, क्योंकि मैंने 100 किलो न्यूटन को पोजीशन यहां ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे निकालनी है, फिर उसके बाद स्लोप ले लूंगा, तो 100 की वजह से वैल्यू डायरेक्टली आए। आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 को यहां हटा लो और फिर उसकी वजह से मूवमेंट लगा लो, उसकी वजह से निकाल लो, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद डब्ल्यू एल फोर अपॉन में एटी आई, ये किसकी वजह से, अब बी की बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि टू बी पॉइंट क्या है, टू की टू यही टू पॉइंट जो है अपन का बी पॉइंट पे ही है, तो इसका तो सिंपल हो जाएगा डब्ल्यू एल फोर अपॉन में एटी आई, यहाँ तो ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, है ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे अपन को सिंपल मिल गया, कौन सा केस, फ्री एंड कैंटिलीवर यूडीएल लोडिंग, ठीक है। तो डब्ल्यू एल फोर अपॉन में एटी आई ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, आर इक्वल्स टू एफ इनवर्स और डेल्टा एल माइनस का, यहाँ पे माइनस का डेल्टा एल होगा, क्योंकि लोडिंग है वहां पे क्या था, रिडंडेंट, रिडंडेंट और लोडिंग दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली जो अपन की रिडंडेंट की वैल्यू आएगी वो लोडिंग अब जो माइनस आएगा कैसे, देखो जैसे मैं बताता हूँ कि मान के चलो इस केस में बता देता हूँ, यहीं पे देखो ये तो अपना रिडंडेंट है, रिडंडेंट की वजह से डिफ्लेक्शन, एक लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ ऊपर से और नीचे, तो क्या होगा फाइनली अपन के लिए तो जीरो ही मिलेगा, ऊपर का लोडिंग और नीचे की लोडिंग दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या होगा जो रिडंडेंट की वैल्यू है वो बराबर किसके होगी, माइनस के लोडिंग के, सिंपल है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस के डेल्टा एल पुट करेंगे, तो यहाँ सारी वैल्यू अपन पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू आ गई अपने पास, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ गया 21.10 और ये आ गया कितना 185। तो आर ए आर बी की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई। अब वर्टिकल रिजॉल्व कर देंगे, तो आर ए आर बी आर सी और माइनस के 100 और 60, तो यहाँ से आर सी की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए पे मूवमेंट ले लेंगे, तो फाइनली मूवमेंट एट सी पे मिल जाएगा। इस तरह से हम सारे अननोन्स को अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और उसका बीएमडी ड्रॉ भी कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। इस तरह से अपन इसको एनालिसिस करेंगे।
आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और बेल आइकन आप दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि हमारी वीडियो कब आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।